तो भाई होंडा ने अपनी बुलेट को लॉन्च कर दिया है CB350 के नाम से। ये नई वाली CB350 देखने में बिल्कुल सिमिलर लगती है क्लासिक 350 से। होंडा की सेगमेंट में पहले से दो गाड़ियां और आती है, CB350 हाईनेस और CB350 RS। लेकिन ये दो गाड़ियां रॉयल एनफील्ड को कुछ खास टक्कर नहीं दे पाई। लेकिन अब होंडा ने एक ऐसी गाड़ी को लॉन्च करा है सेगमेंट में जिसमें आपको सब कुछ मिलता है जो कि आपको क्लासिक 350 में मिलता है, और काफी सारी चीजें उससे ज्यादा मिलती है इस गाड़ी में। तो इस वाली वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर है और आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी को लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की लुक्स के बारे में। तो ये है दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट से देखने में दोनों गाड़ियां काफी सिमिलर सी लगती हैं। क्लासिक में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, जबकि होंडा में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। और क्लासिक में आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि होंडा CB में आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और दोनों गाड़ियों के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो पूरे कवर्ड मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट में 19 और रियर में 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं। क्लासिक में आपको स्पोक और अलॉय व्हील दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि होंडा की जो CB350 है उसमें सिर्फ अलॉय व्हील का ही ऑप्शन मिलता है। और ब्रेक्स की बात करें तो क्लासिक में आपको फ्रंट में 300mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि होंडा CB में 310mm का डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट में। और ये है दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल। और साइड से देखने में भी दोनों गाड़ियां काफी सिमिलर सी लगती है। क्लासिक में कुछ ऐसा फ्यूल टैंक मिलता है जिसमें रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलती है, और होंडा CB में कुछ ऐसा फ्यूल टैंक मिलता है जिसमें होंडा की बैजिंग मिलती है। और दोनों में आपको टैंक पैड मिलता है। रॉयल एनफील्ड में कुछ ऐसा काफी बड़े साइज का इंजन मिलता है, और होंडा की CB में भी काफी बड़े साइज का इंजन दिया गया है। क्लासिक में आपको यहाँ पर साइड में क्लासिक 350 की बैजिंग मिलती है, और बिल्कुल सिमिलर होंडा CB में भी आपको यहीं पर CB 350 की बैजिंग मिलती है। और सीट जो है वो भी आपको दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सिमिलर सी देखने को मिलती है। दोनों में आपको राइडर के लिए काफी वाइड और कम्फर्टेबल सीट मिलती है, और दोनों में आपको पिलियन के लिए काफी पतली सी सीट मिलती है। और दोनों गाड़ियों को अगर आप साइड प्रोफाइल से मडगार्ड देखोगे फ्रंट और रियर का, तो दोनों में आपको बिल्कुल सिमिलर मडगार्ड मिलता है। और अगर आप दोनों गाड़ियों का एग्जॉस्ट देखोगे ना, तो वो भी आपको दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर सा देखने को मिलता है। और रियर ब्रेक्स की बात करें तो क्लासिक में 270mm का डिस्क ब्रेक मिलता है रियर में, और होंडा CB में 240mm का डिस्क ब्रेक मिलता है रियर में। और रियर में क्लासिक में हैलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं और इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि होंडा CB में रियर में LED टेल लाइट्स मिलती हैं और इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये सब आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में। और क्लासिक में कुछ ऐसा हैंडल बार मिलता है, और होंडा CB में कुछ ऐसा हैंडल बार मिलता है। रॉयल एनफील्ड में कुछ ऐसे कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं, और होंडा CB में कुछ ऐसे कंट्रोल्स मिलते हैं। और मीटर की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक में कुछ ऐसा सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, और होंडा CB में कुछ ऐसा सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। दोनों के स्पीडोमीटर में काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। होंडा CB का स्पीडोमीटर देखने में थोड़ा बेहतर लगता है। दोनों गाड़ियों में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। होंडा CB में थोड़े ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है जो कि क्लासिक में नहीं मिलता है, और इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है। और बाकी अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 350cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। क्लासिक में आपको 20.2 HP की पावर मिलती है, जबकि होंडा CB में आपको 21 HP की पावर मिलती है। और क्लासिक में आपको 27 Nm का टॉर्क मिलता है, जबकि होंडा CB में थोड़ा सा ज्यादा 29.4 Nm का टॉर्क मिलता है। और गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, और दोनों ही गाड़ियों में आपको 40-45 KMPL तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो क्लासिक में आपको 170mm की मिलती है, जबकि CB में आपको 165mm की मिलती है। और कर्व वेट की बात करें तो क्लासिक 350 का कर्व वेट है 195 kg, और होंडा CB का कर्व वेट है 187 kg। और सीट हाइट की बात करें तो होंडा CB में 800mm की मिलती है, जबकि क्लासिक में 805mm की मिलती है। और अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइस के बारे में। क्लासिक में काफी सारे अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं, जबकि होंडा CB में सिर्फ दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं, डीलक्स और डीलक्स प्रो। रॉयल एनफील्ड क्लासिक ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 2,14,000 से 2,49,000 तक मिलती है, और होंडा CB ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 2,21,000 से 2,41,000 तक मिलती है। ये है दोनों गाड़ियों की ऑन रोड प्राइसेस, और इसमें आप देख सकते हो कि रॉयल एनफील्ड का जो बेस वेरिएंट है वो थोड़ा सस्ता है, लेकिन टॉप वेरिएंट काफी महंगा है। अब देखते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी को लेना चाहिए। लुक्स तो आपको दोनों गाड़ियों में काफी सिमिलर सी मिलती है, और फीचर्स की बात करें तो होंडा CB में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं क्लासिक से, और इंजन में भी आपको होंडा CB में ज्यादा पावर और टॉर्क मिलता है। रॉयल एनफील्ड का इंजन पहले से काफी स्मूथ हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें काफी वाइब्रेशंस हैं, जबकि होंडा का इंजन काफी ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको होंडा CB में मिलते हैं। तो इस कंपैरिजन की विनर है होंडा CB 350, क्योंकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट हर चीज में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 से बेटर है। और अब कई लोग कहेंगे कि आवाज का क्या हुआ, तो दोनों गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट है ना, उसका जो साउंड है वो काफी सिमिलर सा लगता है। और दोनों गाड़ियों के स्टॉक एग्जॉस्ट का अगर आप साउंड सुनोगे ना, तो वो होंडा CB में आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो ये था होंडा CB 350 वर्सेस क्लासिक 350।
350 का फुल कंपैरिजन। तो यही था इस वाली वीडियो में, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो यश ऑटो कार्स को। और ये दो वीडियोस आ रही होंगी, किसी को भी देख लो।